हाय एवरीवन वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर वालेकुम आज हम चिकन तंदूरी मलाई कबाब बनाएंगे हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है कि कुछ डिफरेंट टाइप के कबाब बताएं और थोड़ी चिकन में काफ़ी सारे कबाब बन जाएं ऐसे बताएं हम आज तंदूरी मलाई कबाब बनाएंगे बस उसके लिए हमने सिर्फ 150 ग्राम चिकन ले ली है चिकन को हमने उबाल लिया है हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर और बाद में इस तरह से श्रेड कर लिया है 150 ग्राम चिकन यूज़ किया है हमने बस इससे ज़्यादा नहीं चिकन में हम पुदीना डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया काफ़ी सारा काट कर ये हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा और हरी प्याज का ग्रीन हिस्सा दोनों हैं ये दोनों मिलाकर आधा कप इस्तेमाल किया है हमने अगर आपके पास हरी प्याज अवेलेबल नहीं है तो रेगुलर प्याज डाल दें आधा कप बारीक चॉप करके दो हरी मिर्चियाँ बारीक कट करके एक टीस्पून नमक हम इसमें टिक्का मसाला डाल देंगे जो हमारा होम है बड़ी आसानी से घर पर आप टिक्का मसाला तंदूरी मसाला जो भी कहें वो बना सकते हैं ये हम एक टेबल स्पून भरकर डालेंगे ये डालने के अलावा हम और कुछ नहीं डालेंगे हम इसमें चाट मसाला डालेंगे एक टीस्पून भरकर ये भी हमारा होममेड है किस तरह चाट मसाला आसानी से बनाया जाता है और घर पर ही सस्ता बनाया जाता है इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है ज़रूर से देखें और घर पर बनाकर तैयार करें एक टीस्पून भरकर यूज़ करना है दो टीस्पून नींबू का रस हमने दो आलू ले लिए हैं बड़ी साइज के लिए हैं इन्हें हमने बॉईल कर लिया है इन्हें हम ग्रेट करके मिला देंगे हमने दो अंडे ले लिए हैं जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है बॉईल करके छीला है इन्हें भी हम ग्रेट करेंगे और इसमें मिला देंगे आप अगर एग नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर दें तीन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम आप यहाँ पर घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं लेकिन गाढ़ी मलाई यूज़ करें ज़्यादा उसमें दूध ना डालें हमने एक टीस्पून मक्खन गरम करने के लिए रख दिया है हम इसमें हाफ टी स्पून तेल भी डाल देंगे ताकि मक्खन जल ना जाए मक्खन मेल्ट हो चुका है हम इसमें दो टी स्पून भरकर लसन डाल देंगे चौक किया हुआ लहसन को एक से दो मिनट हमने लो फ्लेम पर पकाया है ये अच्छी तरह गोल्डन हो गया है हम इसे डाल देंगे हमारे चिकन के बैटर पर इस तरह से अच्छी तरह हमें लहसन को गोल्डन कर लेना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इस डिश का इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा डिफरेंट भी आएगा बस तमाम चीज़ें हमने इसमें मिला ली हैं अच्छी तरह से अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट ताकि हम आसानी से इनके कबाब बना सकें थोड़े से ऑयल से हमने हाथों को ग्रीस किया है इनके हम कबाब बनाएंगे जो भी साइज़ और जो भी शेप आप चाहें वैसा बनाएं थोड़ी देर फ्रिज में रखने से ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाते हैं और फिर बनाने में हमें आसानी होती है हम इन्हें बस सिंपल राउंड बनाएंगे इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डस्ट करेंगे इन्हें हम अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा है जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करें क्योंकि अगर ये बराबर गर्म नहीं होगा और आपने ठंडे तेल में कबाब्स को डाल दिया तो कबाब बहुत ज़्यादा तेल सोक कर लेंगे कबाब्स को हम अंडे में डिप करेंगे एक अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर हमने बीट करके रखा है आप इन्हें पहले अंडों में डिप करके बाद में ऊपर से भी ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं ये आपकी मर्जी है आप जिस तरह भी चाहें आपके घर में जिस तरह खाते हैं पसंद करते हैं वैसा फ्राई करें हमने 150 ग्राम चिकन में काफ़ी सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं जिनमें से थोड़े हम अभी फ्राई करके खाएंगे और बाकी हम स्टोर करेंगे फ्रीजर में रख कर एक महीनों तक इन ये ख़राब नहीं होंगे हमें अच्छी तरह से एक तरफ से गोल्डन कर लेना है फ्लेम को हमने मीडियम रखा है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा अच्छी तरह से ड्रेन करेंगे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इतना ऑयल ना डालें बस दो से तीन बूंद ऑयल डालें और इन्हें फ्राई कर लें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे ये बगैर तेल के भी तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़